नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दिशतुर उपाध्याय। देश में ऐसे गद्दारों की फौज पनप रही है जो खाते तो हिंदुस्तान का है लेकिन उनका दिल आतंकी मुल्क पाकिस्तान के लिए धड़कता है। ये गद्दारों की फौज आए दिन अपनी हरकतों से पाकिस्तान प्रेम को दर्शाती रहती है। कभी ये पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाते हैं तो कभी खुद को इस दुश्मन देश से जोड़ने की कोशिश करते हैं। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भी ऐसे जहरीले नाग मौजूद हैं जो समय समय पर देशद्रोही हरकतें करने के लिए बिलों से बाहर निकल कर आ जाते हैं। लेकिन ऐसे गद्दारों का सूबे के भगवादारी मुखिया अच्छा खासा इलाज भी कर रहे हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव जीतने के बाद जुलूस निकालने पर रोक लगा रखी है लेकिन इसके बावजूद प्रदेश के कई जिलों में विजयी प्रत्याशियों ने जुलूस निकाला। बहराइच जिले में भी अब्दुल कलीम नाम के व्यक्ति ने प्रधानी का चुनाव जीता है। जीत के बाद विजयी जुलूस निकाला गया। नेपाल बॉर्डर से सटे रुपई डीहा में निकाले गए इस जुलूस में जमकर कोरोना गाइडलाइन के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई और खुलेआम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। नारेबाजी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो देखा आपने देश के अंदर किस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक घटना रूपी डीहा बाजार के चकिया मोड़ की बताई जा रही है। जुलूस के दौरान कुछ प्रधान समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जिस जगह नारेबाजी की गई उसके पास ही कस्टम ऑफिस थाना और एसएसबी की पोस्ट भी है। इसके बाद भी बेखौफ समर्थकों ने देश विरोधी नारे लगाए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रधान हाजी अब्दुल कलीम समेत 100 समर्थकों पर महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सीओ नानपारा डॉक्टर जंग बहादुर वर्मा ने बताया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले वीडियो को रूपी डिया बाजार निवासी विजय सोनू नाम के युवक ने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया था। ओरिजिनल वीडियो को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। सीओ ने बताया कि रूपी डिया से हाजी अब्दुल कलीम प्रधानी का चुनाव जीते हैं। उनके जीत के समर्थन में जुलूस निकाला गया था। इस मामले में 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसे अनुरूप विधिक कार्रवाई की जाएगी। दरअसल हाल ही में भी मुजफ्फरनगर जिले के चंदसीना गांव में पाकिस्तान समर्थित नारे लगाए गए थे जिसका वीडियो सामने आया था। यहां कुछ मुस्लिम युवकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था जिस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। अब सवाल यह है कि जब देश में मौजूद गद्दारों को पाकिस्तान से इतना प्रेम है तो वो पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते और कब तक ऐसे देशद्रोही नारे सुनने को मिलते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।